सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को लेकर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग कर ये कंपनी है और इसकी आज हमें जो अभी लिस्टिंग होते हुए नज़र आई है, और लिस्टिंग जो हुई है वो आई थिंक 1% डिस्काउंट पर होते हुए नज़र आई है भाई। इसके दूसरी तरफ आप लोग देखोगे वारी एनर्जी का IPO आया था, उसकी जो लिस्टिंग हुई है 66% के जबरदस्त एक्शन के साथ हुई है। तो वहाँ पर लिस्टिंग ये जबरदस्त मिला और उसके बाद जो स्टॉक वो ऊपर से फिसला भी थोड़ा बहुत ही गया, ज़्यादा नहीं गिरावट बनी। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे 1% डिस्काउंट पर ओपन होने के बाद मार्केट में जबरदस्त रैली है, लेकिन ये स्टॉक 17% टूट चुका है भाई। जी हाँ, 17%, यानी कि जो भाव ये लेकर आया था IPO के दौरान उससे भी आप लोग देखो इश्यू प्राइस था इसका जो भी 200 रुपये था, जो कुछ भी था, वहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक में कितना बड़ा फॉल आया भाई। 17% क्रैश हो गया, ये एक झटके में 17% डाउन आ गए। तो ऐसा क्या हुआ अभी 17% डाउन आ गया, सभी मन में यही डाउट्स है। एक तो आप लोग देखो जो इसका इश्यू प्राइस था वहाँ से 203 रुपये, वहाँ से 200 रुपये के भाव पर ओपन हुआ ये, ठीक है, 1.5% के डिस्काउंट के ऊपर ओपन देखने को मिली ओपनिंग इसकी। उसके बाद आप लोग देखोगे इसमें जो माहौल है वो नेगेटिव बना भाई। वारी ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन यहाँ पर जो सेलर है वो हावी हुए, यानी कि बहुत से ऐसे भाई थे छोटा स्टॉक देखकर भाई 200 रुपये के आसपास का IPO है, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं 15-20% 10% जो है लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है, मार्केट ने साथ नहीं दिया। सुबह तो आपने देखा होगा, लेकिन अभी तो आप लोग तो मार्केट में भी तेजी, लेकिन यहाँ पर दबाव है भाई। 17% के करीब शेयर फिसल चुका है और 160 रुपये पर इसकी आप लोग देखोगे भी जो लोअर प्राइस बैंड है यानी कि LC लिमिट है वो हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ से स्टॉक अगर LC में लोक होता भी, यहाँ से और गिरावट अगर इसमें बनती है तो देखो भाई लॉन्ग टर्म वाले हैं या फिर आपने खरीदा आज खरीद लिया सुबह सुबह ओपनिंग टाइम पर डिस्काउंट देखकर, या फिर आपने IPO में अप्लाई किया और IPO के दौरान मिली और अब तक आप लोग बेचे नहीं हो इसको, अभी तक है आपके पास, तो इसे भी होल्ड करना आई थिंक बेटर रहेगा। और इसको होल्ड करना अगले 1 साल के लिए 2 साल के लिए, ठीक, 1 से 2 साल के लिए अगर होल्ड कर सको तो बेटर। अभी इतनी बड़ी गिरावट में बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है अभी के टाइम तो, ठीक है। तो जिस भी भाई ने IPO के अंदर पैसा लगाया वो यहाँ पर बुरा फंसा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना भी कमेंट में पूछ सकते हो। और गिरावट क्यों है, देखो भाई जो भाई लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगा रहे थे, सभी को पता है, ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए आए होंगे बहुत से, तो उन्हें क्या देखने लगा, उन्हें तो डिस्काउंट पर आते हुए नजर 1% डाउन ही आया ये, तो वहाँ से लगातार जो लिस्टिंग गेन के लिए थे वो उन्होंने सेल किया, उसके बाद सेलिंग प्रेशर हावी हो गया और ये स्टॉक सीधा 17% टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतना भाई, अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो, देखो भाई हाई रिस्क वाले ही भाई ट्राई करेंगे, ठीक है, जो हाई रिस्क ले सकते हैं सिर्फ वही ट्राई करेंगे, ठीक है, छोटा मोटा रिस्क वाला यहाँ पर कुछ ना ट्राई करो भाई। आगे आपकी मर्जी है किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी इसके अंदर आप लोग बना रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।